देख रहे हैं गोल्डन मोमेंट्स। मेरे लिए बहुत बेचैन हो, बहुत। इस बेचैनी का अंजाम जानते हो? मधुबाला को इंडियन मर्लिन मुनरो भी कहा जाता है। दरअसल मर्लिन मुनरो एक अमेरिकी एक्ट्रेस रही हैं जिन्हें दुनिया की सबसे खूबसूरत एक्ट्रेस माना जाता है। मधुबाला भी लगभग उसी दौर की अभिनेत्री रही हैं और सिर्फ भारतीय मीडिया ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल मीडिया में भी मधुबाला को इंडियन मर्लिन मुनरो कहकर संबोधित किया जाता था। अपने जमाने की मशहूर अभिनेत्री मधुबाला की पैदाइश तो एक मुस्लिम परिवार में हुई थी और उनका वास्तविक नाम मुमताज जहां देहलवी था, लेकिन गुरु नानक देव के प्रति उनकी दीवानगी का आलम यह था कि उनकी दीवानगी देख गुरुद्वारा की एक कमेटी ने ये फैसला किया कि मधुबाला के नाम से हर साल अरदास हो। क्या है ये पूरा दिलचस्प वाक्या जानेंगे इस वीडियो में। बने रहिए हमारे साथ, आप देख रहे हैं गोल्डन मोमेंट्स। मधुबाला का गुरु नानक देव के प्रति उनकी दीवानगी का आलम यह था कि आखिरी वक्त तक उनके पर्स में जपुजी साहिब की किताब मौजूद रही। फारसी भाषा में पाठ हर रोज करने वाली मधुबाला जब अपने करियर की बुलंदी पर थीं, तब फिल्म निर्माताओं से उनकी एक ही शर्त होती थी कि वे पूरे साल देश दुनिया में कहीं भी शूटिंग करती रहेंगी, लेकिन गुरु नानक देव जी के जन्मोत्सव यानी गुरु पर्व पर वह मुंबई के अंधेरी गुरुद्वारे में मौजूद रहेंगी। कहते देखो इस एग्रीमेंट में क्या लिखा हुआ है कि सारा साल मुझे अपने पैसों पे टिकट पे कहीं पर भी ले जाओ शूट करने के लिए, मैं जाऊंगी, मना नहीं करूंगी, पर जब गुरु नानक पातशाह का गुरुपुरब होगा जिस दिन, उस दिन मैं बॉम्बे में रहना चाहती हूँ, क्योंकि वो दिन मैं केवल और केवल गुरु नानक की भक्ति करना चाहती हूँ अंधेरी गुरुद्वारे में। उस दौर के संगीत निर्देशक एस महेंद्र के मुताबिक मधुबाला के इस राज का खुलासा तब हुआ जब एक दिन किसी फिल्म के सेट पर अगले शॉट की तैयारी चल रही थी और इस दौरान खाली वक्त में मधुबाला ने अपने पर्स में से एक छोटी सी किताब निकाली और सिर ढककर उसे पढ़ने लगी। कुछ देर बाद जब उन्हें बुलावा आया कि अगला शॉट तैयार है, तो वह अपना पर्स और किताब महेंद्र जी के जिम्मे छोड़ शॉट देने के लिए चली गई। जब एस महेंद्र ने वह किताब खोलकर देखी तो पाया कि वो फारसी भाषा में लिखी जपुजी साहिब थी। शूटिंग से फ्री होने के बाद महेंद्र ने जब उनसे इस बारे में पूछा तो मधुबाला ने बताया कि सब कुछ होने के बावजूद भी मैं भीतर से पूरी तरह टूट चुकी थी। गम दिल में कुछ ऐसा है छुपाया नहीं जाता और उनको सुनाए तो सुनाया नहीं जाता। तब एक दिन मेरे एक जानकार अंधेरी के गुरुद्वारे में ले गए। एक ओंकार सत्यनाम करता पुरख निर्भो निर्वय अकाल मूरत। दर्शन के बाद वहां के ग्रंथी को जब मेरी परेशानी के बारे में बताया तो उन्होंने रोज जपुजी साहिब का पाठ करने का सुझाव दिया। क्योंकि मुझे गुरुमुखी नहीं आती, लिहाजा मैंने फारसी भाषा में छपी यह किताब मंगवाई। तब से मैं इसे बगैर नागा किए पढ़ती हूँ। एक अजीब सा सुकून और शांति मिलती है। एक ओंकार सत्यनाम करता पुरख
1969 में अपनी मौत से 7 साल पहले मधुबाला ने ये इच्छा जाहिर की थी कि गुरु नानक पातशाह के अवतार पर्व पर जितने भी लंगर होता है, जो लंगर बनता है, उसकी सेवा मेरी झोली में डाल दो। तो प्रधान साहब ने कहा कि मैं अकेला डिसीजन नहीं ले सकता, संगत से मिलकर, कमेटी से मिलकर बताऊंगा। और आखिर में कमेटी मान गई और लिखा हुआ है कि 7 साल तक उसके बाद मधुबाला जीवित रही। 7 साल तक हर उस दिन गुरु नानक पातशाह के गुरुपुरब वाले दिन वहां जाती थी, पूरा समय कीर्तन सुनती थी, सेवा करती थी अंधेरी गुरुद्वारे में, और पूछती थी कितनी सेवा, जितनी वो कहते थे लंगर की सेवा चेक काट के दे देती थी। 7 साल बाद उसकी मृत्यु हो गई मधुबाला की। संगत ने उसके लिए पाठ रखे तो उसके पिताजी वहां पर आए, कहने लगे मधुबाला ने सेवा बंद नहीं की थी, ये सेवा जो उसने ली है लंगर प्रसाद की गुरु नानक पातशाह के अवतार पूर्व वाले दिन, वो बंद नहीं होने चाहिए। उसका ही दिया हुआ पैसा है, उसका ही कमाया हुआ, ये सेवा जारी रहनी चाहिए। जितनी भी सेवा हो चक मुझसे ले लिया करो। मधुबाला के पिता के देहांत के बाद गुरुद्वारा कमेटी और वहां के श्रद्धालुओं ने तय किया कि मधुबाला भले ही सशरीर नहीं है, लेकिन नानक देव के प्रति उनकी अगाध श्रद्धा आज भी इस गुरुद्वारे में जीवंत है। लिहाजा हर साल गुरु नानक देव जी के जन्मोत्सव पर होने वाली अरदास में ये कहा जाता है, है बादशाह आपकी बच्ची मधुबाला की तरफ से लंगर प्रसाद की सेवा हाजिर है, उसे अपने चरणों में जोड़े रखना। आता नहीं दोबारा, आता नहीं दोबारा, हाफिज खुदा तुम्हारा, हाफिज खुदा तुम्हारा, हाफिज खुदा तुम्हारा, जिंदगी भर जिंदगी भूलेगी वो बरसात किरा आई है। मेरे लिए बहुत बेचैन हो, बहुत इस बेचैनी का अंजाम। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइएगा। अब अपने होस्ट और दोस्त विजय पांडे को दीजिए विदा। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे ऐसे ही किसी दिलचस्प किस्से के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, आदाब, शुक्रिया। आप देख रहे हैं गोल्डन मोमेंट।